आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर कुपावड़ा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को बड़ा आतंकी हमला टल गया। कश्मीर के कुपावड़ा जिले के गणपुरा इलाके में आतंकियों ने आईईडी से जोड़कर 10 किलोग्राम के 3 एलपीजी सिलेंडर बम प्लांट किए थे। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक आईईडी को जिस तरह रखा गया था, वहां दिन भर में करीब 1000 पब्लिक व्हीकल और 200 सुरक्षा वाहन गुजरे थे। झाड़ियों में रखे विस्फोटकों पर एआर डिफेंस यूनिट की नज़र पड़ी। इसके बाद भारतीय सेना को जानकारी दी गई। भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत आईईडी बम को नष्ट किया। चिनार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया पर बम नष्ट करने की तस्वीरें भी शेयर की है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। कश्मीर क्षेत्र में जनवरी से सितंबर तक 9 महीने के दौरान 47 आतंकवादी मारे गए हैं। इनमें करीब 37 विदेशी और 9 स्थानीय आतंकवादी थे। वहीं राजौरी और पूंछ जिले में जनवरी से सितंबर तक 3 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। राजौरी के डांगरी में 1 जनवरी, पूंछ के तोता गली में 20 अप्रैल और राजौरी के कंडी जंगलों में 5 मई को आतंकी हमला हुआ था। इसमें सेना के 10 जवान शहीद हुए थे। वहीं दहशतगर्दों ने हिंदू समुदाय के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।